जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने नगर पालिका इटावा के वार्ड नंबर 4 पुरबिया टोला नाला पार से सभासद प्रत्याशी सरोज देवी के प्रतिनिधि राजीव कुमार जी से की खास मुलाकात। राजीव जी ने कहा कि यदि वार्ड वासियों ने अवसर दिया तो वार्ड के अंतिम पात्र व्यक्ति तक शासन स्तर से जो भी लाभकारी योजनाएं होंगी वार्ड के अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। वार्ड को विकसित बनाने के लिए जो भी विकास कार्य होंगे उन्हें करने के लिए शत प्रतिशत प्रतिबद्ध रहेंगे। साथ ही राजीव जी समस्त वार्ड के मतदाताओं से मतदान करने की अपील की जिससे वार्ड का चौमुखी विकास हो सके। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन सनी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24x7। जैसा कि आपको अवगत है नगर निकाय इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है, उसी क्रम में जानने का प्रयास करूंगा। नगर पालिका परिषद इटावा के वार्ड नंबर 4 नाला पार सुबह टोला में आए हुए आज जिनसे जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ से सभासद पद हेतु उषा देवी है, जिनकी बाइक ऑफ जो प्रेजेंट टाइम जैसे बात करने का प्रयास करूंगा। उषा देवी की जो प्रतिनिधि है राजीव कुमार, नमस्कार सर। नमस्कार राजीव जी, सर्वप्रथम तो आपका हमारे चैनल स्वागत है। आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे सर, ये बताइए वार्ड नंबर जो 4 है नाला पार से जो आपकी बाइक उषा देवी यहाँ से सभासद पद हेतु प्रत्याशी है, अपने वार्ड की मुख्य समस्या क्या है, जो आपने यहाँ से सभासद पद हेतु प्रत्याशा पेश की है इसके पीछे क्या वजह है? उसके लिए जो है स्ट्रीट लाइट जो है काफ़ी जगह खराब पड़ी जी, काफ़ी जगह पानी का निकासी नहीं है, जल भरा हुआ है जी, और इसके बाद जो है कभी कंजा टूटे हुए हैं, लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या है जी, और इसके बाद जो है काफ़ी साफ सफाई जो नालियाँ चौक पड़ी हैं जिनको सफाई हो जाए तो इससे मच्छर अच्छर से निजात काफ़ी पड़ी है जी। जैसा कि अभी आप बता रहे थे राजीव जी कि आपने बाढ़ के जो मतदाता है मतलब 11,000 के आसपास ये मतदाता है, जैसा कि आपको अवगत है 11 मई को मतदान होना है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप जनसंपर्क दो टू दूर कर रहे होंगे। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे गली नाले खड़ंजे साफ सफाई को लेकर इसके इलाज बता रहे थे, इसके अलावा मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ अपने बाढ़ में कोई आपने ऐसी समस्या देखी हो, यदि वार्ड नंबर 11 की जो भी मतदाता है आपको यहाँ से अवसर देते हैं सभासद पद के रूप में, तो आपने कोई रूपरेखा या प्लानिंग ऐसी बना रखी है? सर्वप्रथम कौन कौन से विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे जिससे अपने वार्ड नंबर जो 4 आता है नाला पार सुबिया टोला उसका विकास कर सकते? पहला तो हमारा रहेगा कि मोहल्ले में साफ सफाई रहे जिससे कि मच्छर वगैरह बीमारियाँ ना हों, और दूसरा है कि जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है वहाँ लाइट की व्यवस्था की जी, तमाम जगह गलियाँ टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटे हुए हैं उनको निर्माण कराया जाए जी, जिससे कि वहाँ की जनता को सुविधा मिल सके। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से न्यूज 24x7 के माध्यम से जो भी अपने बाढ़ के मतदाता हैं उनसे क्या मैसेज या अपील करना चाहेगा? मैसेज यही है कि इस बार हमें मौका दें जी, और जिससे कि हम आगे अपने वार्ड में विकास का कार्य कर सकें जी, और जनता के बीच में अपनी एक पहचान बना सकें और जनता की सारी समस्याओं का हम निर्धारण कर सकें। इसी क्रम में आपसे जानने का प्रयास करूंगा, जैसा कि आपको अवगत हो गया 11 मई को जो मतदान होगा सभासद पद के रूप में और चेयरमैन पद का, सर क्या लग रहा है कि इटावा नगर पालिका का क्या माहौल है, अपने वार्ड से थोड़ा आगे जाना चाहते हैं? नगर पालिका में चेयरमैनिंग में तो यह है कंटू गुप्ता का भी ठीक है और चाहे भाजपा की सुमन दुबे जो है वो भी बढ़िया चल रही है, और फिर पब्लिक है जनता है जिसे बिठाना चाहेगी चेयरमैन जी सकते। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे राजीव कुमार जो वार्ड नंबर 4 नाला पार पुरिया टोला आता है, यहाँ से जो उषा देवी है सभासद पद हेतु प्रत्याशी है उनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने बड़े स्टेज फॉरवर्ड बताया कि वार्ड नंबर 4 के जितने भी मतदाता है उनकी आम जनमानस की जो समस्या होती है, जैसे कि सर ने वीडियो में जिक्र कर रखा है कि गली नाली गरंजे स्ट्रीट लाइट जैसा कि आपने सुना होगा, जैसे यदि उन्हें अवसर यहाँ से मिलता है तो जो भी शासन स्तर से स्कीम्स आती हैं और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो चलाई जाती हैं स्कीम्स वगैरह वो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ एक अपील की 11 मई को मतदान जो होना है भारी से भारी संख्या मतदान करें जिससे बाढ़ का चौमुखी विकास कर सके। देखते रहिए न्यूज 24x7।